कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट में जो दस मरला घर हैं स्पेसिफिकली इन स्ट्रीट फाइव जिन मेंबर्स के यहाँ पे घर हैं तो वो पूछते रहते हैं अक्सर यहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है इस वीडियो में आपको स्ट्रीट का विजिट कराऊंगा मैं घर के इंटरनल का विलास तो अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं बाद में वीडियो बना दूंगा सेपरेटली तो मैं आपको स्पेसिफिकली जॉर्जियन स्टाइल के एक्सटीरियर प्लस जो मेटेरियन स्टाइल का एक्सटीरियर है वो भी दिखाऊंगा मैं इस वक्त स्ट्रीट फाइव पर मौजूद हूँ स्ट्रीट सिक्स पे जो है वो कंटेप्रेरी स्टाइल के विलाज हैं उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे राइट नाउ सबसे पहले देखते हैं जी जॉर्जन स्टाइल के विलाज तो जॉर्जन स्टाइल के देखें अगर दस मरला के थर्टी फाइव या सिक्सटी फाइव स्क्वेयर यार्ड में बात करें ढाई सौ गज के प्लाट उन पर जो डबल स्टोरी एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ है इस पर ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड स्क्वेर फीट कवर्ड एरिया है आई गेस ट्वेंटी फोर हंड्रेड या ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इस कवर्ड एरिया को आप देखें तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पर दो से डांस गाड़ियों की पार्किंग है फिर तो फ्रंट पर ओपन स्पेस है अच्छी खासी फिर उसके अलावा डबल गेज विंडो है और आपका घर का तकरीबन एट फीट का डोर्स है नाइन फीट का डोर्स है नाइन फीट के डोर्स हैं जो एंट्रेंस डोर है किसी भी स्टाइल के घरों में उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर आपके दो बेडरूम हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपके तीन बेडरूम है ये फोर बेडरूम और फाइव बेडरूम के ऑप्शंस में ऑफर किया गया था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे ऑप्शन में जहाँ पे एक बेडरूम है तो इन जनरल देखिए तो ड्राइंग डाइनिंग बेडरूम और पीछे बैक साइड पर जो आपको स्पायरल स्टेज नज़र आ रही हैं ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर को लीड करती हैं मैं सेपरेट इनकी इंटीरियर की, इंटीर की वीडियो तीनों स्टाइल की सेपरेट बना दूंगा लेकिन राइट ना हो ये जॉर्जन स्टाइल के एक्सटीरियर देखें ये वाला घर देख लें ये वाला घर देख लें और के स्ट्रीट पे सारे घर इसी स्टाइल में बने हुए हैं बात करें जी मैटेरियल स्टाइल पे तो मैटेरियल स्टाइल जो है उनकी लोग कुछ इस तरह से बाहर की ये कॉर्नर वाला घर है तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्रंट के साथ है इन एक्स्ट्रा लैंड के साथ है कॉर्नर कंस्ट्रक्टेड एरिया सेम है लेकिन आपको फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है ऊपर जाने के लिए भी वही सेम नाइन फीट डोर्स उसके अलावा आपके डबल लेस विंडोज उसके अलावा इसके टोटल फोर बेडरूम और फाइव बेडरूम के ऑप्शन है यहाँ भी सेम बस ये एक्सटीरियर का फ़र्क है मोस्टली घरों में इंटीरियर मोस्ट घरों में सेम ही आते हैं ये इसी रोड पर बनने वाला दूसरा घर है अगर हम मैं आगे जाकर स्ट्रीट पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक पार्क भी मौजूद है और बाकी यहाँ पे घरों में काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन फाइनल फेज में आ चुकी है ये जो पहले चार घर हैं पाँच इनको कह लेंगे फाइनल पेंट्स हो रहे हैं जॉर्जन स्टाइल के और लेफ्ट साइड पर एक दो तीन चार पाँच पाँच घर जो मैटीरियन स्टाइल के हैं इनकी भी फिनिशिंग का काम हो रहा है फाइनल मेरा ख्याल है कि अगले तीन एक महीने में इसका सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा मैंने इसे पाँच महल की वीडियोस बनाई थी पहले कनाल की बनाई थी इसकी मैं सेपरेटली वीडियोस बना दूंगा तमाम स्टाइल्स की ताकि आप इसका इंटीरियर फोकस देख सकें कि इंटीरियर कैसा है इंटीरियर वैसे बहुत सारी वीडियोज़ आपने पहले भी देखी हुई हैं उसमें कोई न्यू बात नहीं है अच्छा एक चीज़ जिस पे ज़रा भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गा ना वो है कि यार कि यहाँ पे क्वालिटी आप घर के अंदर नहीं भी विजिट कर सकते तो आके सिर्फ गेट को हाथ लगा के ना गेट की क्वालिटी विज़िट करें या गेट को जब आप खोलेंगे ना तो आप वो गेट की जो उसका वेट है वो बता देगा कि किस स्टैंडर्ड की क्वालिटी इस्तेमाल हुई है मतलब मैं उस दिन यहाँ पे साइड पर था तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर वो मिले तो इस साइड के यार हमें कहा गया था कि जो ए प्लस प्लस क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना यहाँ ऊपर अखपल्टा सवाल हो रही है आगे चलते हैं जी स्ट्रीट फाइव से आ जाते हैं जी लेन लेन वाली साइड पे। वहाँ पे देखते हैं घरों के कंस्ट्रक्शन का क्या सूरत हाल है यस गली के आखिरी जो चार घर हैं ना एक दो तीन हाँ चार घर तीन घर बल्कि एक दो और तीन तीन घरों की ग्रेस स्ट्रक्चर मुकम्मल है पेंट का काम भी नहीं हुआ इस लेन पे आ जाएं तो सेम वही पेंट्स वगैरह हो गए गेट्स वगैरह इंस्टॉल होने हैं और इस तरह मेडिटेरियन स्टाइल देख लें तो सेम वही फाइनल पेंट्स और टाइल्स की इंस्टॉलेशन हो रही है इस तरह डोर्स इंस्टॉल हो रहे हैं अच्छा जी मेरा ख्याल है कि जब यहाँ पोजेशन आएगा तो मेंबर्स यहाँ पे मूव करना प्रेफर करेंगे द रीज़न क्या आपको मेन जो हैं वो फुटफॉल भी मिलती हैं तो कौन होगा जो यहाँ पे घर बना के रहना नहीं चाहेगा जिनका घर होगा मूव नहीं करना चाहेगा ये छोटा सा फैमिली पार्क है स्ट्रीट फोर और स्ट्रीट थ्री पे सामने वही मेडिटेरियन स्टाइल के विलाज हैं दो जो बन गए हैं लेफ्ट साइड भी मेडिटेरियन स्टाइल के हैं और ये जो स्ट्रीट थ्री वाले विलाज हैं ये भी जॉर्जियन स्टाइल के हैं इनमें से सिर्फ एक विलाज ये यूनिट रेडी हुआ है बाकी यूनिट्स जो अभी तक रहते हैं चलें आगे देखते हैं पहले मोस्टली मैं ड्रोन की वीडियोस मैंने ज्यादा बनाई है सीरिया की लेकिन ड्रोन की वीडियोस में इतनी वो क्लोजली आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते मेंबर्स अक्सर बात करते हैं यार के ऑन ग्राउंड जो है वो स्टेटस दिखाऊं तो ये वॉकिंग टेल जो सीरीज है इससे में हम पूरे कैपिटल स्मार्ट की जितनी आने वाली वीडियोज होंगी मैं ट्राई करूँगा कवर करूँ स्पेसिफिकली सर्दियों के महीने में क्योंकि वैसे भी धुंध होती है तो ड्रोन से उतनी फोटेज क्लियर भी नहीं आ तो जो ग्राउंड है क्यों देखें ये इस टाइम पीक सन है आपके सामने है। नज़र भी नहीं आ रहा भले कल मेरे पास एक क्लाइंट आए थे गुजरा वाला से बात करते कि मैं इस्लामाबाद आके 18 दिन बाद सूरज देखा है तो सर्दियों में इस तरह होता है स्पेसिफिकली इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी स्ट्रीट फोर्स से बाहर निकलते हैं अगर आप तो आपका ये वाला एरिया जाता है जी सामने आपको बनना। जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये बेसिकली बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का नाम है लेक व्यू हाइट्स ये लेक व्यू हाइट्स है ये अगर आप फ्लोर्स काउंट करें इसके तो ये टेन फ्लोर्स की बिल्डिंग है ठीक है बेसमेंट सिक्योरिटी ऑफिसेज़ और प्लस मार्केटिंग ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर डिफरेंट शॉप्स हैं फर्स्ट फ्लोर पर डिफरेंट ऑफिस हैं सेकेंड फ्लोर पर ऑफिसेज़ हैं थर्ड फ्लोर ऑफिसेज हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन अपार्टमेंट्स हैं जो सोसाइटी लेटेस्ट स्टेज में जाके सेल करेगी अभी राइट नाउ ये जो है सेल में नहीं आए यहाँ रेंट आउट करेगी सब्जेक्ट हो के अवेलेबिलिटी अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये इसको कमर्शियल से सेग्रीगेट कर दिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया ये फेंस लगा के यानी कि कमर्शियल वाली कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती ठीक है ये बहुत ही पॉजिटिव बात है ये आप आ जाएँ वाली साइड पे आई गेस लेनवानी है ये ये पीछे मस्जिद है ये मस्जिद लेन वन पर बने वाले विलास हैं इससे आप अंदाजा लगा लेंगे यहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन किस फेज में है और किस फॉर्म में है अच्छा ये वाला जो है ना प्रोजेक्ट इस तरह के यहाँ पे छह प्रोजेक्ट्स हैं सात सॉरी इसी लाइन में यानी जो ये अभी डंपिंग यार्ड है जो सामान यहाँ पे फेंका हुआ सारा ये सामान यहाँ से उठेगा अगले प्रोजेक्ट पे जाएगा फिर उससे अगले प्रोजेक्ट पे फिर उससे अगले प्रोजेक्ट पे सोफर एंड सोन ये जो आर वन रोड है इस पर इसी तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे और सारे के सारे को फेंसिंग करके बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है बिल्कुल अलग कर दिया गया है फ्रॉम द कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल अच्छा जी इस तरफ आ जाए जॉर्जन स्टाइल और ये मैं दोबारा स्ट्रीट फाइव की तरफ वापस आ रहा हूँ ये कॉर्नर यूनिट जो है ना ये मेटेरियन स्टाइल का इसकी बैक से भी गिराज है बैक से सेवन क्वार्टर की एक्सेस है और इसकी ड्यूअल एक्सेस है क्योंकि कॉर्नर है तो जाहिर सी बात है ड्यूअल एक्सेस बनती है ये साइड से भी एक डोर है ये हम जी स्ट्रीट फाइव पे घुसे थे स्ट्रीट फोर पे गए लेन टू पे गए लेन वन पे गए ये सारा वीडियो हमने देख लिया है कि राइट नाउ सेक्टर सी से की सूरतयाल ऑन ग्राउंड क्या है